तो अकबर ने उससे पूछा कि भाई तुम्हारे हिंदू धर्म में भगवान आते रहते हैं, किंतु हमारे मुसलमान धर्म में तो अल्लाह नीचे नहीं आता है, तो मुझे समझ नहीं आया ये कैसे होता है, क्यों तुम्हारा भगवान नीचे क्यों आ जाता है, हमारा तो नहीं आता है। पैगंबर आते हैं, भगवान के सेवक आते हैं, भक्त आते हैं, मगर भगवान नहीं आता है, तुम्हारे हिंदू धर्म में भगवान कैसे नीचे आता है। तो बीरबल ने कहा अकबर से कि आपको इसका जवाब कुछ दिनों के बाद दूंगा मैं। तब तक बीरबल ने अपनी तैयारी कर ली। आपको मेरी आवाज़ साफ सुनाई दे रही है? मुझे अपनी आवाज़ क्लियर सुनाई नहीं दे रही। तो बीरबल ने दासी पुत्र, सॉरी ये दासी, अकबर की जो बहुत सारी दासियां थी, तो अकबर का एक पोता था, तो बीरबल ने उस दासी से ये कहा कि कल शाम को जब मैं और अकबर जी घूमने के लिए निकलेंगे तो उस समय तुम छत पे खड़ी होकर जो उसका पोता है उसका एक पुतला बना के रखना, और मेरे इशारे पे उसे तुम ये जो कुंड है, ये जो स्विमिंग पूल होता है ना आजकल, ऐसे नहाने के कुंड होते हैं, तो उसमें डाल देना, उसमें फेंक देना, बस इतना काम करना है तुम्हें। तो योजना के अनुसार बीरबल ने अगले दिन अकबर को कहा कि मुझे आपका जो प्रश्न था कि भगवान नीचे क्यों आते हैं उसका उत्तर देना है, थोड़ा घूम टहलने चलते हैं, टहलते टहलते हम कुछ बात करेंगे। तो बीरबल अकबर को जानबूझकर उस रास्ते पे ले आया जहाँ से अकबर देख सकता है कि छज्जे के ऊपर, छज्जा बोलते ना, कि छत के ऊपर वो दासी पोते को खिला रही है। अकबर को तो दिखने में पोता ही लग रहा है मगर वो पुतला है, और बीरबल के इशारे पे उसने उस पुतले को नीचे फेंक दिया कुंड में। और अकबर ने ये सोचा कि दासी के हाथ से फिसल के उनका पोता पानी में गिर गया है, तो अकबर ने तुरंत पानी में छलांग लगाई उसको बचाने के लिए, और जब उसके हाथ में उसने देखा ये तो पुतला है, तो उसने कहा बीरबल ये क्या मजाक है। तो बीरबल ने कहा अकबर जी आप तो इस क्या कहते हैं तख्ते हिंद, इस भारत के एक राजा हैं, अनेकों सैनिक आपके लाइन में यहाँ खड़े हैं, अगर आप किसी भी एक को आदेश देते तो वो तुरंत पानी में जाकर आपके पोते को बचा के ले आता, आप स्वयं क्यों गए पानी के अंदर, आपके इशारे पे तो कोई भी एक चला जाता आपके पोते को बचाने के लिए, आप क्यों कूदे पानी के अंदर। तो बोले इसी प्रकार से भगवान स्वयं भक्त के प्रेम में विहल होकर, भक्त की प्रेम जो भक्ति है वो भगवान को विवश कर देती है नीचे आने के लिए। तो इसीलिए जो भगवान है अपने भक्तों को प्रेम प्रदान करने के लिए, जैसा कि गीता में कहा है, युगों युगों से आते रहते हैं। तो आज भी ऐसा नहीं है कि भगवान युग युग में आते हैं, आज भी जो भक्त हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, वृंदावन में भगवान दर्शन देते हैं। वृंदावन ही नहीं, जहाँ पर भी शुद्ध भक्त होगा तो भगवान उसे अवश्य ही उसको दर्शन देंगे। और ऐसा नहीं है कि भक्ति केवल हिंदू धर्म में ही प्रकट होगी, भक्ति कहीं भी प्रकट हो सकती है। भक्तों की श्रेणियों में अगर आपने नाम सुना हो जो अलग धर्म के लोग हैं, जैसे रसखान, वह अफगानिस्तान से आया था, तो उसके हृदय में भी भक्ति प्रकट हो गई। भक्ति केवल हिंदुओं के हृदय में प्रकट होगी ऐसा नहीं है, भक्ति कहीं भी प्रकट हो सकती है। नादिर शाह, रसखान, बहुत से ऐसे हैं जो अलग धर्म के हैं, परंतु जहाँ जब उनके हृदय को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी ओर खींच लिया तो उनके हृदय में भी भक्ति प्रकट हो गई। तो जहाँ भक्ति प्रकट हो जाती है तो भक्ति
भक्ति एक ऐसा तत्व है शास्त्रों के अनुसार, भक्ति स्वतंत्र है, भगवान को भी आकर्षण में करने वाली है भक्ति। भगवान के लिए भक्ति नहीं है, भक्ति हमारे लिए है। तो भक्ति एक ऐसा तत्व है जो भगवान को विवश कर देती है, मजबूर कर देती है नीचे उतरने पर।